मूवी की शुरुआत में हम कुछ मेटेरॉइड्स को देखते हैं जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसकी खबर चारों तरफ फैल जाती है। जिसी दौरान हम एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। इन स्टूडेंट्स में यूलिया नाम की एक स्टूडेंट होती है जो अपने दोस्त के साथ में होती है। क्लासेस खत्म होने के बाद यूलिया अपने बॉयफ्रेंड आर्टियन से मिलती है। दरअसल यूलिया के पिता वैलेंटिन एक कर्नल है जो आर्टियन को पसंद नहीं करते, इसी वजह से यूलिया अपने बॉयफ्रेंड से छिपकर मिलती है। अब क्योंकि इस समय हर तरफ केवल मेटेरॉइड के बारे में ही बातें हो रही थी, इसी वजह से यूलिया अपने बॉयफ्रेंड और अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ में मेटेरॉइड्स की बारिश देखने का प्लान बनाती है। जिसके बाद यूलिया अपनी फीमेल फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाती है ताकि वो लोग वहां से मेटेरॉइड को देख सके। अब क्योंकि मेटेरॉइड्स की बारिश में अभी थोड़ा समय होता है, इस वजह से यूलिया की दोस्त यूलिया को अपने रूम की चाबी दे देती है ताकि वो और आर्टियन अकेले में कुछ समय बिता सके। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आसमान से मेटेरॉइड्स की बारिश शुरू हो जाती है जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पर अब मेटेरॉइड्स की बारिश के दौरान हमें आसमान से एक स्पेसशिप भी दिखाई देता है जो पृथ्वी की तरफ ही बढ़ रहा होता है। ये देखकर अब रशियन सरकार उस पर हमला करने का आदेश दे देती है। अब हमले की वजह से वो स्पेसशिप इम्बैलेंस होकर बिल्डिंग के ऊपर गिरने लगता है जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। जिस घटना में यूलिया की दोस्त की बिल्डिंग भी नष्ट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी दोस्त भी मारी जाती है। वहीं इस दौरान यूलिया बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है लेकिन आरटीएम उसे किसी तरह से पकड़ लेता है जिससे यूलिया की जान बच जाती है। अब जहां पर स्पेसशिप का क्रैश लैंड हुआ था वहां पर यूलिया के पिता कर्नल वैलेंटिन आर्मी और एक एलियन ट्रांसलेटर के साथ में आ जाते हैं। और अब वो लोग जैसे ही स्पेसशिप के नजदीक जाते हैं उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आता है जो एलियन किसी पर कोई हमला नहीं करता, जिसकी वजह से बैकअप टीम भी उसके ऊपर हमला नहीं करती। अब यहाँ पर वो एलियन टेलीपैथी के जरिए ट्रांसलेटर से बात करता है। एलियन बताता है कि मेटेराइट्स की वजह से उनकी स्पेसशिप खराब हो गई थी जिसकी वजह से उनका स्पेसशिप पृथ्वी के वातावरण के अंदर आ गया था। वहीं उन लोगों के हमले की वजह से उनका स्पेसशिप और भी खराब हो गया था जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। अब क्योंकि उनका स्पेसशिप खराब हो गया इस वजह से उन्हें यहाँ पर कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, लेकिन स्पेसशिप को ठीक होते ही वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब वापस लौटकर कर्नल वैलेंटिन अपनी टीम से बात करते हैं और ये फैसला करते हैं कि एलियन को वहाँ पर कुछ दिन रुकने के लिए समय दिया जाए ताकि वो लोग अपनी स्पेसशिप को सही कर सके। इसलिए अब एलियन स्पेसशिप के आसपास की जगह खाली कर दी जाती है। वहीं शहर में कर्फ्यू घोषित कर दिया जाता है ताकि कोई भी एलियन स्पेसशिप के आसपास ना भटक पाए। अब क्योंकि एलियन स्पेसशिप की वजह से यूलिया की दोस्त की मौत हो गई थी, इस वजह से वो एलियन से बदला लेने के लिए सोचती है, जिसके बाद यूलिया अपने बॉयफ्रेंड आर्टियम और उसके कुछ दोस्तों के साथ में आर्मी से बचते हुए स्पेसशिप की ओर निकल जाती है। वो अपने साथ में अपने पिता की पिस्टोल भी लाई थी ताकि उससे वो एलियन को मार सके। पर स्पेसशिप के पास जाने से पहले यूलिया अपने दोस्त के रूम में जाती है और अपनी दोस्त को याद करते हुए काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो अब अपने दोस्त की यादों में खोई होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक एलियन आ जाता है जिसे देखकर यूलिया डर जाती है और उस पर पिस्टल से हमला कर देती है, लेकिन इसी दौरान वो खुद भी इम्बैलेंस हो जाती है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वो एलियन उसे बचा लेता है। अब यूलिया की चीख को सुनकर आर्टेम और उसके दोस्त ऊपर आ जाते हैं जो लोग एलियन को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो एलियन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जो देखकर अब आर्टेम और उसके दोस्त भी नीचे आते हैं, लेकिन नीचे उन्हें एक रोबोटिक आर्मर मिलता है। वहीं उसके अंदर का जो एलियन था वो अब वहाँ पर नहीं होता। थोड़ी देर में फिर वहाँ पर आर्मी की एक टीम भी आ जाती है जो देखकर वो सब एलियन का रोबोटिक आर्मर लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ बिल्डिंग के नीचे आर्मी को एलियन का एक डिवाइस मिलता है जिसे वो लैब में भेज देते हैं। दरअसल एलियन इसी डिवाइस को लेने के लिए इस बिल्डिंग के पास आया था। अब अगले सीन में हम यूलिया को देखते हैं जो अब भी उस एलियन के बारे में सोच रही थी, जिसके बाद वो अगले दिन फिर से उस एलियन की तलाश में उस बिल्डिंग के पास में जाती है। अब यहाँ बिल्डिंग में उसे कुछ लाशें दिखाई देती है, जिन लाशों में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बुरी तरह से घायल होता है लेकिन वो अब भी सांसें ले रहा था। यूलिया अब उसे देखकर तुरंत समझ जाती है कि इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। अब क्योंकि उस एलियन ने यूलिया की जान बचाई थी, इस वजह से यूलिया अपने क्लासमेट गूगल की मदद से उस एलियन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहीं क्योंकि वो एलियन दिखने में बिल्कुल इंसान के जैसा ही होता है, इस वजह से हॉस्पिटल में किसी को भी उसके एलियन होने की बात पता नहीं चलती और इलाज के दौरान खुद यूलिया उसे अपना ब्लड देती है। अब ब्लड देने के बाद जब यूलिया उसके हाथ से नीडल निकाल रही होती है कि तभी वो एलियन यूलिया का हाथ पकड़ लेता है, जिससे एलियन का ब्रेसलेट यूलिया के हाथ में चला जाता है, जिसके बाद यूलिया उस एलियन को अपने गैराज में शिफ्ट कर देती है। पर अब जब यूलिया बाथरूम में नहा रही होती है कि तब वो देखती है कि ब्रेसलेट पानी को कंट्रोल कर रहा है, जो देखकर यूलिया हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मिलिट्री एलियन के डिवाइस को लेकर लैब में आ जाती है ताकि
ताकि वो उस डिवाइस के बारे में पता कर सके। अब अगले सीन में साइंटिस्ट और सरकारी ऑफिसर्स के बीच में एक मीटिंग होती है। मीटिंग में एक साइंटिस्ट बताता है कि एलियन स्पेसशिप अपने आप को सही करने के लिए अपने आसपास की पानी को खींच रहा है और इसी की वजह से शहर में पानी की समस्या आ गई है। जिसी दौरान यूलिया को भी एलियन के होश में आ जाने का पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत ही उसके पास जाती है। अब यहाँ पर जैसे वो एलियन जागता है, यूलिया उस पर गन पॉइंट कर देती है, जिस पर अब एलियन कहता है कि उसका नाम हैकॉन है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अब क्योंकि वो एलियन यानी कि हैकॉन जल्द से जल्द अपनी स्पेसशिप पर जाना चाहता था, इस वजह से वहां से निकल जाता है। पर थोड़ी देर बाद उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसकी अजीब बिहेवियर को देखकर पुलिस को लगता है कि वो कोई ड्रगिस्ट है। पर यूलिया पुलिस को हैकॉन को ले जाते हुए देख लेती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। फिर अगले सीन में हम आरटीएम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एलियन की रोबोटिक आर्मर को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग इसमें नाकामयाब होते हैं। पर इसी दौरान आरटीएम का एक दोस्त जिज्ञासा में अपना एक हाथ आर्मर में डाल देता है, जिसकी वजह से वो आर्मर उसके शरीर से चिपकने लगता है, जो देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और किसी तरह से अपने दोस्त को उस आर्मर से अलग करते हैं। अब क्योंकि आरटीएम और उसके दोस्त आर्मर से बहुत ज्यादा डर गए थे, इस वजह से वो लोग इसे आर्मी को देने के लिए जाते हैं। इसलिए बेस कैंप पहुंचते ही आरटीएम एक सोल्जर से कर्नल वैलेंटाइन के बारे में पूछता है ताकि वो उन्हें आर्मर दे सके, लेकिन इसी दौरान आरटीएम के एक दोस्त की लड़ाई एक सोल्जर से हो जाती है, जिससे आरटीएम के दोस्त वहां से भाग जाते हैं, लेकिन आरटीएम को वो लोग कैद करके जेल में डाल देते हैं। अब अगले सीन में हम यूलिया को देखते हैं जो अपने पिता के नाम का यूज करके हैकॉन को जेल से बाहर निकाल देती है, और यहां पर आरटीएम भी मदद के लिए यूलिया को आवाज देता है, पर जल्दी में होने की वजह से यूलिया उसकी मदद नहीं कर पाती। अब जेल से निकलने के बाद यूलिया हैकॉन को जल्दी से उसके स्पेसशिप में जाने के लिए कहती है, जिस पर हैकॉन यूलिया को बताता है कि वो बिना सिल्क की मदद से उस स्पेसशिप को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। दरअसल सिल्क वही डिवाइस होता है जो यूलिया की दोस्त की बिल्डिंग के पास मौजूद था, जिसे आर्मी ने मिलिट्री लैब में भेज दिया था, जो जानने के बाद यूलिया हैकॉन को लेकर मिलिट्री लैब में जाती है। अब यहाँ पर भी वो अपने पिता से मिलने का बहाना करके अंदर चली जाती है और अंदर जाने पर यूलिया अपने पिता से बात करने लगती है, जिस दौरान ही बातों बातों में वो अपने पिता का एंट्री पास चुरा कर हैकॉन को दे देती है। अब एंट्री पास मिलते ही हैकॉन डॉक्टर के कपड़े पहनकर लैब में घुस जाता है और फिर वो सिल्क डिवाइस को स्टोन से निकालकर अपने पास रख लेता है, पर साइंटिस्ट उसे ऐसा करते देख लेते हैं, जिससे वो ये समझ जाते कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन है। इसलिए वो उसे पकड़वाने के लिए बिल्डिंग का अलार्म ट्रिगर कर देते हैं, लेकिन तब तक हैकॉन यूलिया के पास पहुंच चुका होता है। अब क्योंकि इमरजेंसी अलार्म की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गया होता है, इस वजह से यूलिया के पिता उन दोनों को जल्दी से वहां बाहर भेज देते हैं। दूसरी तरफ आरटीएम भी जेल से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो यूलिया को कॉल करता है, लेकिन यूलिया उसे बाद में बात करने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जब हैकॉन स्पेसशिप में जाने की बात करता है, तब यूलिया उसे कहती है कि हमें वहाँ पर रात में जाना चाहिए क्योंकि दिन के समय में वहाँ पर जाना बहुत रिस्की होगा। हैकॉन अब उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो यूलिया के साथ में उसके घर जाता है। अब यहाँ न्यूज में वो हैकॉन को देखती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि उसके पिता को हैकॉन की सच्चाई का पता चल गया है। इस वजह से यूलिया अपने पिता के आने से पहले ही अपने घर से निकल जाती है। फिर इसके बाद यूलिया अपने क्लासमेट गूगल के पास जाती है, पर यहाँ पर भी यूलिया को डर होता है कि कोई आ सकता है। इस वजह से यूलिया क्लब जाने का प्लान बनाती है क्योंकि वहां पर उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था, इसीलिए वो दोनों एक क्लब में आ जाते हैं। अब क्लब में जब दोनों डांस कर रहे होते कि तभी आर्टियन का एक दोस्त यूलिया को देख लेता है, जो तुरंत आर्टियन को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि यूलिया एक दूसरे लड़के के साथ क्लब में आई है। वहीं क्लब में डांस करते समय हैकॉन यूलिया को अपनी दुनिया का विजुअल दिखाता है, जो कि काफी सुंदर होता है, जहां हैकॉन कहता है कि तुम्हारे अलावा आज तक यहां पर कोई भी बाहर का जीव नहीं आया। अब कुछ समय बाद क्लब बंद होने के बाद दोनों स्पेसशिप के पास जाते हैं और अब यहाँ पर यूलिया हैकॉन को विदा करते समय इमोशनल हो जाती है, जिस इमोशनल में दोनों किस शेयर करते हैं। दरअसल इतने दिनों तक साथ में घूमने की वजह से दोनों के बीच प्यार बन गया था। अब इसी दौरान यूलिया को आर्टियन का कॉल आता है और वो यूलिया को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन यूलिया उसे मना कर देती है, जिसके बाद अब हम आर्टियन और उसके दोस्त को देखते हैं जो यूलिया के पास आते हैं। दरअसल आर्टियन ने चिपकर वहीं से कॉल किया था, जहाँ पर अब वो सब हैकॉन को मारने लगते हैं, जिसी दौरान आरटीएम यूलिया को भी एक थप्पड़ मार देता है, जो देखकर हैकॉन काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो अपनी ताकत दिखाते हुए उन सबको ढेर कर देता है, जो देखकर एक आदमी हैकॉन को शूट करने के लिए गन फायर कर देता है, लेकिन ये गोली उसके दोस्त को ही लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान वहां पर पेट्रोलिंग कर रही आर्मी की एक टीम भी जा पहुंचती है, जो देखकर आरटीएम और उसके दोस्त वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन यूलिया और हैकॉन को आर्मी के लोग
लोग पकड़ लेते हैं। वहीं अब आरटीएम बदला लेने के लिए प्लान के तहत सोशल मीडिया पर लोगों को हैकॉन के खिलाफ भड़काने लगता है। वो लोगों से झूठ कहता है कि हैकॉन ने उसके दोस्त को मार दिया और अब वो बाकी लोगों पर भी हमला करने वाला है, जिस वजह से हमें उन एलियन का सामना करना चाहिए, जिससे तभी हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। अब आरटीएम की बात को सुनकर हजारों लोग स्पेसशिप पर हमला करने के लिए जाते हैं। वहीं आरटीएम वापस अपने घर जाकर उसी रोबोटिक आर्मर को पहन लेता है। जिसी दौरान मिलिट्री बेस पर कैद हैकॉन यूलिया के पिता को बताता है कि अगर किसी ने भी उस स्पेसशिप में घुसने की कोशिश की तो वो स्पेसशिप खुद को ब्लास्ट कर देगा, जिससे पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। इस वजह से हमें लोगों को उसके अंदर जाने से रोकना होगा, लेकिन यूलिया के पिता उसकी बात को नहीं मानते। इसी वजह से अब मजबूरन यूलिया अपने सिर पर गन पॉइंट करके हैकॉन को लेकर वहां से निकल जाती है। अब यूलिया के पिता भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बड़े के लोग स्पेसशिप पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, तब अपने बचाव के लिए एलियन भी स्पेसशिप से बाहर निकलकर उन पर हमला करने लगते हैं। फिर इसी दौरान यूलिया और हैकॉन भी स्पेसशिप के पास पहुंचने वाले होते हैं कि तभी आरटीएम उनके ऊपर हमला कर देता है। अब क्योंकि आरटीएम रोबोटिक आर्मर पहने हुए होता है, इस वजह से वो बड़े ही आराम से हैकॉन को हरा देता है। पर अब आरटीएम जैसे ही हैकॉन को मारने वाला होता है कि तभी यूलिया उस पर ट्रक चढ़ा देती है, जिससे रोबोटिक आर्मर खराब हो जाता है और फिर आरटीएम उस आर्मर से बाहर आ जाता है। अब इसके बाद यूलिया हैकॉन के पास जाकर उसे उठाती है, जिसके बाद दोनों एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। पर अब आरटीएम ये देखकर उन पर गन से फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी वहां पर आर्मी के लोग आ जाते हैं, जो फायरिंग करने की वजह से आरटीएम को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसी दौरान यूलिया के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं, जो अपनी बेटी को घायल देखकर दुखी हो जाते हैं। तभी हम कुछ एलियंस को देखते हैं जो यूलिया और हैकॉन को लेकर स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, जहां अब यूलिया के पिता भी स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। अब अंदर जाने पर वो एलियन उन दोनों को एक चेम्बर में लिटा देता है, जिसके बाद हैकॉन अपनी हीलिंग पावर का प्रयोग करके यूलिया को ठीक कर देता है, जिससे यूलिया होश में आ जाती है। वहीं हैकॉन अब भी होश में नहीं आया होता, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद यूलिया और उसके पिता स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो स्पेसशिप वहां से जाने लगता है। वहीं बाकी लोग स्पेसशिप को जाते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये मूवी यही इनकम्प्लीटली एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आती तो दोस्तों एक छोटी सी मदद जरूर करे, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करे, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है, ताकि मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। मिलते अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।